जब से फिजा में खुला है चुनावी रंग, सब पर रहे दलित हितैषी का दम। सपा और बीजेपी सेंध लगाने की फिराक में, मायावती लगी दलितों को सहेजने की ताक में, दलित वोटों के लिए आर पार। तो चुनावी बयान है और इस बयान में दलित अब बहुत प्यारे लगने लगे हैं। दरअसल यूपी की सियासत में सोशल इंजीनियरिंग की मास्टर माने जाने वाली मायावती ने अपने बेस वोट बैंक में सेंध लगते देख केंद्र सरकार और यूपी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया, यानी दलित वोटों के लिए यूपी में अब आर पार है। ये 16 आने सच है कि उत्तर प्रदेश में हार और जीत का गुणागणित बनाने में अहम किरदार निभाती है जातियों की जमात। तभी तो इन दिनों दलितों की खातिर सियासी दलों के दिल में दिख रही है हमदर्दी, और दूसरे दलों की हमदर्दी से हैरान मायावती ने संभाला मंच और माइक, निशाना लगा दिया सपा सरकार पर। जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तो तब से यहाँ खासकर दलित व अति पिछड़े वर्ग के लोगों का हर स्तर पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है। दलित वोटरों पर अपना हक जताने की लंबी लड़ाई लड़ी है बहन जी ने, लेकिन लोकसभा चुनाव में नहीं रख पाई थी एकाधिकार। अब बहन जी ने सहेजते हुए कह दिया कि घातक है इनकी मानसिकता। आरएसएस की संकीर्ण व घातक मानसिकता रखने वाले लोगों द्वारा आए दिन खासकर आरक्षण की समीक्षा करने की बात करने का अर्थ उस व्यवस्था को समाप्त करना ही होता है। इधर ये भी इत्तेफाक नहीं कि खुद मोदी और बीजेपी ने अंबेडकर को लेकर दिखाया है विशेष उत्साह, बल्कि औपचारिक और अनौपचारिक यूपी की यात्रा के दो पड़ावों का दलित केंद्र बिंदु होना अनायास नहीं था। अब मायावती की माने तो दलितों के लिए रोना केवल दिखावा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यह लखनऊ के कार्यक्रम में आकर खासकर श्री रोहित के मामले में भावुक हो जाना केवल इनकी एक सोची समझी राजनीतिक स्वार्थ से भरी साजिश थी, अर्थात यहाँ उत्तर प्रदेश के दलितों का वोट अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इनकी ये केवल कोरी ड्रामेबाजी ही थी, और साथ ही उस दिन उनके आंसू भी वास्तव में एक घड़ियाली आंसू ही थे। बहरहाल यूपी में दलित वोट बैंक पर गड़ी है सभी की नजरें। हालांकि दलितों का दिल जीतने की ये लड़ाई आसान तो नहीं, लेकिन मुश्किल भी नहीं। मिशन 2017 की तैयारी कर रही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तल्ख त्योरों के साथ ही सही आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सूबे की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। जाहिर है बहन जी पूरी तरह से मिशन 2017 को अमली जामा पहनाने में जुट गई हैं। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ अमितेश श्रीवास्तव, लखनऊ समाचार प्लस। तो इस चुनावी फिजा में अब दलित बहुत प्यारे लगने लगे हैं, लेकिन इस प्यार का सबब क्या है, वजह क्या है, यही समझने की कोशिश आज मैं करूंगा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर हिलाल नकवी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लखनऊ से जुड़ रहे हैं मेरे साथ, लखनऊ से अमितपुरी बीजेपी के नेता हैं जुड़ रहे हैं, रविदास मेहरोत्रा साहब नेता है एसपी के, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और जितेंद्र खुराना मेरे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा स्टूडियो से, साथ ही साथ मेरे साथ संपादक महोदय सलाहकार संपादक मनोज रघुवंशी भी हैं। रविदास मेहरोत्रा आप ही के पास आना चाहूंगा, ये दलित प्रेम इतना नजदीक क्यों लगने लगा, आखिर इस प्यार की वजह क्या है, इस प्यार के पीछे क्या वाकई कुछ और चल रहा है जो अब समझ चुकी है मायावती भी, क्या हार का अंदेशा सता रहा है समाजवादी पार्टी को बकौल मायावती? देखिए घनश्याम जी, हम लोग हमेशा जो समाज के कमजोर, असहाय, बेबस, लाचार और दलित लोग हैं उनको उत्थान के लिए, उनको बराबर का हक मिले, बराबर का सम्मान मिले और उनको न्याय दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। जो समाज के सबसे पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उन लोगों को बराबर का अधिकार दिलाने के लिए, बराबर का संबंध लाने के लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष और प्रयास किया है। नहीं, इसी संघर्ष की बात तो बीजेपी भी करती है, तो आप और बीजेपी में क्या फर्क है फिलहाल? देखिए हम लोग यह अपनी बात हम कर ही रहे हैं कि जो समाज के सबसे कमजोर लोग हैं, जिनके साथ हजारों सालों से अन्याय हुआ है। रविदास जी ये समझाना भी होगा ना, मायावती हमेशा से कहती है वो दलितों की नेता है और अब बीजेपी भी ये दावा करने लगी है, तो बीजेपी के प्यार में और आपके प्यार में क्या फर्क है, ये भी तो समझाने की जिम्मेदारी आप पे ही होगी।
देखिए घनश्याम जी, मायावती जी जब सरकार में थी तो लोग कहते थे दलित की नहीं दौलत की बेटी है और अपनी मूर्तियां लगाने का कर काम किया। जब उनकी सरकार थी तो जो तमाम जगहों पर जब हम लोग हक की बात करते थे तो लाठीचार्ज हुआ है। उनकी 5 साल की सरकार में 2500 बार लाठीचार्ज हुआ, दमन हुआ। नहीं रविदास जी, हमने देखा उनकी 5 साल की सरकार में जब दलित महापुरुषों के वो स्मारक बनाती थी, उनकी मूर्तियां लगाती थी, तो आपकी पार्टी पुरुषों विरोध करती थी उन तमाम मूर्तियों का, तमाम स्मारकों का, दीवार तक ढहा दी गई थी, आपको याद होगा। लेकिन अब ये प्यार जागा, तो फिर जब प्यार अचानक जागेगा तो फिर सवाल जरूर उठेंगे। अमित पुरी मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के नेता हूंगा मैं आपके पास रविदास जी। अमित जी, ये अंतर दलितों के प्यार को पाने की होड़ क्यों लगने लगी है? करने का काम कब किया है रविदास जी? ठीक है आऊंगा, अरे सब तो रखिए, अभी चुनाव नहीं है, सब रखिए, सब रखिए, आऊंगा। अमित जी, ये नेताओं में दलित प्यार पाने की ये होड़ क्यों है और इस होड़ में कहीं ना कहीं आप भी दिखाई देते हैं? आप देखिए, कार्यक्रम के पहले भाग में आप पूछ रहे थे कि भाजपा और सपा के अंतर मूल रूप से क्या है। हाँ, दलित प्रेम में क्या अंतर है? मैं बता रहा हूं जी, अंतर यह है कि गेस्ट हाउस के अंदर 1993 में सपा के लोग मायावती जी को जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी के नेतृत्व में हम सरीखे कार्यकर्ता गेस्ट हाउस में जाकर मायावती जी की प्राण रक्षा का कार्यक्रम ही नहीं किया। गवर्नर के यहां हम लोगों ने गवर्नर के कक्ष के बाहर, गवर्नर हाउस के अंदर बैठ करके धरना दिया और तब जाकर इंटरवेंशन हुआ और मायावती जी की जान बची। मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि आज उन्हें प्रधानमंत्री के आंसू घड़ियाली लगते हैं। इस एनिमल लैंग्वेज के ऊपर कोई कमेंट मेरा नहीं है, ये हर आदमी का अपना पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। अब उनको एनिमल लैंग्वेज सूट करती है तो करे। भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन संस्कारों से हम निकले हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, इन संस्कारों में दलितों का हिंदुओं से और बराबर का अधिकार है। जो किसी का वोट बैंक बेस है अगर उस पर कोई दूसरे दल निगाह डालेंगे तो इस तरह की बयानबाजी होगी। आप राजनीति दलित समुदाय केवल वोट बैंक के लिए हिंदुस्तान में नहीं है, उसे अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, उजड़े और पिछड़ेपन के लिए सत्ता और समाज में बराबर की हिस्सेदारी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा बराबर एक पंगत में बैठकर, एक साथ एक पंक्ति में बैठकर के समाज के सभी अंगों की समरसता के लिए काम कर रहा है। यह हमारा मूल राजनीतिक अच्छा लगता है, लेकिन आरएसएस के ही अच्छा नहीं लगता। एकांत मानववाद का चिंतन भारतीय जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया, यह हमारा राजनीतिक चिंतन है। ठीक है, इतना चिल्ला के बोलेंगे तो मैं वैसे ही समझ जाऊंगा आपकी बात, मुझसे आराम से भी बात करेंगे तो आपकी बात में समझ जाऊंगा। अरे भैया ठीक है, मैं एनिमल लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा हूं। अमित जी ठीक है, हम जानते हैं कितना समतामूलक समाज की बात करते हैं जब आरएसएस की तरफ से बयान आता है, आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। फिर आप कहते हैं कि सत्ता में की स्थापना नहीं होगी। मोहन भागवत जी परंपरा बयान कोट कर रहे हैं हम, धनंजय जी जानते हैं, धनंजय जी मेरे जानते हैं। ठीक है, आप अभिमानी चलाइए, ठीक है मोहन भागवत जी की, ठीक है बात गलत होता है, बात गलत है। मैं हम रिकॉर्ड कर नकवी, क्या वाकई ये सारी चीजें इतनी मासूमियत के साथ जो बताई जा रही है इतनी मासूम दिखाई देती है? घनश्याम जी, हम बहुत पुराना नहीं जाएंगे, हम उस वक्त नहीं जाएंगे जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल बनाया था। हाँ। उस वक्त 69 इनकी मूर्तियां, इनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो उनको उनके जलाया गया था, उनके एफिजी को जलाया गया था। ठीक है, हम वहां पर भी नहीं जाएंगे जब संविधान बनाया जा रहा था तो विरोध किया गया था और कहा गया था कि ये मनुस्मृति की मौजूदगी में संविधान की क्या आवश्यकता है। हम हाल फिलहाल में ही आ जाते हैं, जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान होता है जिसके अंदर दलितों के लिए बजट एलोकेट किया जाता है, लगातार दोनों बजट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसके अंदर एलोकेशन कम किया। जो एससी को जो दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, उस स्कॉलरशिप को भी कम कर दिया गया। अभी जो हैदराबाद में जो घटना घटित हुई जिसके अंदर लाइन से पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो इन्वॉल्व पाए गए, उसके बारे में भी क्या कहेंगे।
अभी नरेंद्र भाई मोदी जी ने आकर के यहां के ऊपर उसके ऊपर जो दुख व्यक्त किया है आकर के, ये दुख व्यक्त कर देते अगर जाकर के एचआरडी मिनिस्ट्री में जिस प्रकार के वहां से पत्र भेजे गए हैं उन 5 दलित लोगों को निकाले जाने के, उसके ऊपर जो है वो खेद व्यक्त करते और साथ ही साथ जिन लोगों ने ये कार्य किया था उनका निष्कासन करके दिखा देते तो भी समझ में आता कि हाँ ठीक है साहब दलित प्रेम है। आप उनको आर्थिक रूप से चोट पहुंचा रहे हैं, आप उनको सामाजिक रूप से चोट पहुंचा रहे हैं, आप उनके रिजर्वेशन को पुनः विचार करना चाहते हैं, आप जो है वो गुजरात के अंदर उन लोगों को नीली नेकर पहना करके स्कूल और कॉलेज के अंदर बुलाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये दलित के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, अपने आप में ये हास्यास्पद लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल जितेन खुराना, ये सारी चीजें जो आपके सामने हो रही है, जिस तरह की बयानबाजी हो रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि दलित सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है, उसके स्वार्थ से, उसके हितों से, उसके तमाम चीजों से, अधिकारों से वाकई किसी को फर्क पड़ता नहीं खास? एक दलित ये वो विषय है जो मेरे हृदय के प्रिय है। हाँ। कारण ये तो खाली वोट बैंक नहीं है, कहते सब्जेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन। हाँ। ये वो समाज है स्वतंत्रता के बाद विशेष तौर पर मैं आपको कहूंगा कि तो मैनिपुलेशन का ही रहा है राजनीतिक दल। अब हम ठंडे दिमाग से सोचें हमने कितना उत्थान कर लिया इस समाज का। राजनीतिक दल एक ही दूसरों की, उनका एक उद्देश्य, दो उद्देश्य है, या तो दलित उत्थान और अपने वोट, पर क्या अपने वोट छोड़ के दलित उत्थान करने के लिए तैयार है? और दूसरी सामाजिक संस्थाएं भी जगह से जुड़ी हुई हैं, उनके भी दूसरे उद्देश्य निकल के आते हैं। हम मेरे लिए विषय यहां पर राजनीतिक नहीं है, मेरे लिए विषय दलित उत्थान है। मैं यहां देख रहा हूं कि मेरे जो ये तीन बंधु तीन राजनीतिक दलों से हैं, इनका इस बात में कितना इंटरेस्ट है कि दलितों का उत्थान किया जाए। और या वो जो हम सामाजिक संस्थाएं भी देखते हैं तो ज्यादातर सामाजिक संस्थाओं के पीछे तो कोई ना कोई धर्मांतरण की कोई ना कोई संस्थाएं निकल करके आती हैं। और अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये विषय, क्या ये समाज सही तरीके से एड्रेस किया गया है? इनका शोषण कौन कौन कर रहा है? राजनीतिक दल भी उनका शोषण कर रहे हैं। और सही मायने में जो 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 सामाजिक संस्थान जो दलितों का उत्थान करने पे जो लबादा पहने हुए हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ईसाई धर्मांतरण की संस्थाएं निकलती हैं। मैं 2-3 संस्थाएं का अगर अनुमति दें, दलित फ्रीडम नेटवर्क, सारे क्रिश्चियन मिशनरीज इसमें पीछे निकल के आते हैं, दलित वॉइस निकल के आती है, दलित सॉलिडरिटी नेटवर्क, ये सारे क्रिश्चियन मिशनरीज हैं। इनका उद्देश्य उत्थान नहीं है, इनका उद्देश्य धर्मांतरण है। हमारे राजनीति करने वाले वोट चाहते हैं। जितेंद्र तो ये कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ दलितों के उत्थान की बात नहीं है, कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ मेन तौर पर स्वार्थ है, लेकिन एड्रेस इसका सॉल्यूशन निकलेगा कैसे? जी मनोज जी, बीएसपी की आक्रामकता, खासकर मायावती की आक्रामकता और निशाने पे दोनों ही दल, यानी कि बीजेपी भी और साथ ही साथ प्रदेश सरकार भी, क्या ये डर, क्या ये एहसास दिला रही है कि वाकई अब बीएसपी समझ गई है कि ये वक्त है, ये अलार्मिंग टाइम है, जाग जाओ नहीं तो फिर नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है? देखिए मायावती आगे हैं, बाकी दलों से बहुत आगे हैं इस समय, आज के दिन अगर चुनाव हो जाए, ठीक है, घबराहट नहीं है। वो जो उनका दलित वोट जो 2014 में डेंट भी लग गया था, जो अब उनके पास वापस भी आ चुका है, वास्तविकता ये है, वो उसको और पक्का करना चाह रही है इस समय। जो एक, क्योंकि एक बात चल रही है वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये जो अपनी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इनके अलग अलग केस। देखिए दो बातें हैं बहुत ही ब्रीफली। एक, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो लड़का था रोहित, उसकी मदर का और उसकी ग्रैंड मदर का, मतलब दादी का ये कहना है कि हम दलित नहीं हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में पेज नंबर 10 पे छपा हुआ है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बाकायदा सूचना दी है कि, और ये वीडियो तेलुगु में कम से कम वायरल हो गया है सोशल मीडिया के ऊपर इस समय, ग्रैंड मदर का बाकायदा बयान है, मदर का भी बयान है, मदर ने तो यहां तक कह दिया है, रोहित की मदर ने यहां तक कह दिया है कि अगर मेरी बात गलत पाई जाए तो मुझे सेक्शन 199 और 200 सीआरपीसी के तहत मुझे सजा दे दी जाए। तो मतलब हम लोग उछल कूद के दलित की राजनीति को देख तो रहे हैं कि सब दलित 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 बोल रहे हैं। बेचारा लड़का, मतलब अब अफसोस की बात है, उसने आत्महत्या की, नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब जो हम जेएनयू का केस देख रहे हैं, एक लड़का धमकी दे रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, अब ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है कि अगर आपने मुझे नहीं दिया, स्कॉलरशिप नहीं दी। अब यूनिवर्सिटी की मुश्किल ये है कि 5 साल की उनकी लिमिट होती है स्कॉलरशिप की, जो कि पूरी हो गई है। वो कह रहे हैं यूजीसी के नियम के मुताबिक हम और नहीं दे सकते। दूसरी चीज, हमने आपको पैसे दिए थे विदेश जाने के लिए, आप विदेश गए नहीं, आपने वो पैसे अपनी ग्रैंडमदर के इलाज पे लगा दिए, तो अब आप वो रिफंड करिए तो हम आपको और पैसे दें। तो मतलब ये एक थोड़ा सा राजनीतिक दल तो अपनी राजनीति खेल रहे हैं, जो मतलब दलित जिनको कहा जा रहा है, जिनका नाम लिया जा रहा है, उसके अंदर भी पता लगा एक निकला ही नहीं दलित, दूसरा जो है वो धमकी दे रहा है। एक सिचुएशन ये है, मेरा बहुत छोटा सा सवाल है मायावती जी से कि देखिए, ये तो बात मैं बिल्कुल 100% मानता हूं
कि जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं मतलब सर ने मेरा रघुवंशी है, लेकिन क्या मैं रघुकुल की रीत का पालन करता हूं कि प्राण जाए पर वचन न जाए? नहीं पालन करता। तो फिर मैं मतलब कैसे रघुवंशी कहने का अधिकारी हूं? कोई द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, उनको दो वेद कंठस्थ नहीं है, तीन वेद कंठस्थ नहीं है, चार वेद कंठस्थ नहीं है, तो क्या वो ब्राह्मण या मैं क्षत्रिय कहलाने के लायक हैं हम लोग? तो जब अगर जाति वर्ण को मिक्स ना कर रहे, मेरा नहीं, मेरा कहने का मतलब कि जो मायावती, देखिए हमें सीधे सीधे एक मोटी मोटी बात कहनी चाहिए, जो गांधी जी ने भी कही, आरएसएस भी कहती है, मायावती मतलब थोड़ा सा पहले तो देखिए बहुत ही तीखा तेवर होता था, तिलक तराजू और तलवार, इन पर मरो जूते चार, है ना, बनिया माफ, ठाकुर हाफ, ब्राह्मण साथ, पहले बहुत ही तीखा तेवर होता था, अब जो है वो मतलब समरसता और ठाकुर ब्राह्मण भी साथ आ जाएं, ये राजनीतिक, ये भी एक सोशल इंजीनियरिंग है। मेरा बहुत सीधा सा सवाल ये है, जो कि मायावती जी से है, इस समय अफसोस कि उनके कोई पक्षधर हमारे सामने नहीं है, कि देखिए आप अकेली श्रेय लेने की कोशिश मत करिए, गांधी जी ने भी छुआछात मिटाने के लिए पूरा जोर लगाया, आरएसएस भी अपने अंदर, सरनेम नहीं पता लगता आरएसएस किस आदमी का क्या सरनेम है, तो मतलब ये श्रेय केवल आपका अकेले का नहीं है जी। तो दलित सिर्फ आपकी बपौती नहीं है जिसका आप ढोल पीट रहे, मनोज जी का कहना है। लेकिन रविदास मेहरोत्रा, क्या वाकई दलित प्रेम के जागने के पीछे की वजह जो हम लगातार देखते हैं 2017 की नजदीकियां हैं? क्योंकि जिस तरीके से अंबेडकर साहब के स्मारक को बनाने के लिए जमीन दे दी जाती है, कई योजनाएं खासतौर पर चलाई जाती हैं, क्योंकि पहले ये कहा जाता है कि इन चीजों से आपने दूरियां बनाई हुई, लेकिन वही चीजें फिर आप करते हुए दिखाई देते हैं। और मायावती का कहना कि अगर मैं सत्ता में आई तो ब्याज सहित वसूली कर लूंगी, जिस तरह की दलित पुरुषों की अनदेखी हुई है, क्या इस थ्रेटनिंग कॉल से घबरा गई है समाजवादी पार्टी की सरकार? देखिए घनश्याम जी, जी एक बार स्पष्ट कर दे जी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ये पूरे देश के हैं और पूरे देश के हर वर्ग के, उन्होंने जो समाज के कमजोर लोग हैं उनके उत्थान के लिए पूरे जीवन संघर्ष करने का काम किया है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम लोगों के बहुत पहले से आदर्श हैं और बाबा साहब अंबेडकर जी जो है उनका खाली किसी पार्टी संबंध नहीं है, वो पूरे देश के थे। इसके अलावा भी दलित समाज के बहुत से लोग हैं, जैसे वाल्मीकि समाज है, सरकार रही मारुति जी की, लेकिन वाल्मीकि समाज को कोई भी उनको उनका उत्थान के लिए, उनके राहत के लिए कोई काम नहीं हुआ। और हम लोगों ने प्रयास करके महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर छुट्टी करने का काम किया। छुट्टी देने से किसका स्मारक बनाने से ये उत्थान नहीं है। ऐसी तीन योजनाएं बताइए जो आपकी सरकार ने लिखी। श्याम जी मैं यही बात कह रहा हूँ कि देखिए हम लोग जो है हमेशा जो समाज के कमजोर लोग हैं, दलित लोग हैं, बेबस लाचार और असहाय लोग हैं, उनके लिए लगातार संघर्ष करने का काम करते हैं। दलितों की संख्या कितनी है प्रदेश में? दलितों की संख्या कितनी है प्रदेश में? तो बाल्मीकि दलितों की संख्या कितनी है प्रदेश में? रविदास जी जी दलितों की कितनी संख्या है आपके प्रदेश में? देखिए जो बताइए दलितों की संख्या, तो यहाँ थोड़ी ना बात देखिए ये हो रही है कि जो समाज, देखिए रविदास जी वही जिस दलित उत्थान की आप बात करते हैं, जिस उत्थान की योजना अगर आप बना रहे हैं तो वो एक आंकड़ा भी आपके पास होगा। चलिए बहरहाल मैं इस जवाब की उम्मीद भी नहीं कर रहा था आपसे। अमित पुरी जी भी मेरे साथ हैं। अमित जी वाकई क्या दलित प्रेम की बात जो लगातार कही जा रही है, हमारे पास आंकड़ा है? ठीक है समझ गया मैं आपकी बात अब। ठीक है अमित जी, जिस तरह की बात लगातार कही जा रही है, दलित होने लगे हैं और बीजेपी ने जनरल इलेक्शन होना चाहिए, ऐसे लोग बहुसंख्यक ऐसे लोग, ये मोटा माटी आंकड़ों से काम नहीं चलेगा रविदास जी, आपको एग्जैक्ट फिगर बतानी पड़ेगी ना, यही मैनिपुलेशन है असल में जितेंद्र। ठीक है अमित पुरी जी, यही मैं जानने की कोशिश कर रहा था, जिस तरह से वेस्टर्न यूपी में कहा, रविदास जी अब सुन तो लीजिए, ठीक है अब सुन लीजिए, ठीक है मैं आऊंगा आपके पास। अमित जी जनरल इलेक्शन में हमने देखा, खासकर वेस्टर्न यूपी की ग्रिड की अगर बात करें तो वहां पे बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एक नया ट्रेंड सेट किया जो मायावती सेट किया करती थी। क्या ये वही घबराहट है जो मायावती के बयानों में आज झलकी है? क्या वो समझ रही है कि वाकई अब ये चैलेंज बीजेपी से कम मिलने वाला है? देखिए उत्तर प्रदेश की जो आज इबारत राजनीतिक दीवार पे लिखी है,
उत्तर प्रदेश का चुनावी संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में होने जा रहा है, इस बात का मायावती जी को एहसास है जी, असली बात यह है। और उनको ये लग रहा है कि पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर अब यह सीधी सीधी बात सामने लोगों के आ रही है कि एक तरफ वो दलित आइकॉन की राजनीति है जिसमें मायावती जी अपनी मूर्ति लगा करके काम करती है, हाँ, थी, और दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री लखनऊ आता है और अगर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि न देता तो कहते प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम में अंबेडकर की उपेक्षा कर दी, और अब अगर प्रधानमंत्री जी डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने आते हैं तो यह घड़ियाली आंसू है। और वो कांग्रेस के मित्र जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को संसद पहुंचने से रोका, आज उनको दलित प्रेम बहुत ज्यादा जागा हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए सदैव से समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को, जिनको हमने अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी में, जो हमने एकात्म मानववाद की फिलॉसफी ली है, हमने उनको दरिद्र नारायण कहकर के संबोधित किया और इस दिशा में हमने सामाजिक राजनीतिक हर पहलू के ऊपर काम किया। कभी पॉलिटिकली वो प्रयास करता है, कभी नहीं करता, लेकिन हमारे लिए वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल बैरियर, एक भी बड़ा दलित लीडर क्यों नहीं है भारतीय जनता पार्टी में? पुरी साहब क्यों नहीं है? कहां से आपको बड़ा दलित पार्टी में बताइए ना, नाम बताइए। अरे बंगारू लक्ष्मण जी इसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कि नहीं रहे, उनके उन्होंने क्या किया करें। लेकिन अगर पार्टी ने अपने, मैं पूछता हूँ, बंगारू लक्ष्मण सोनिया और राहुल और इंदिरा नेहरू खानदान के सिवा आप बंगारू लक्ष्मण को छोड़ दीजिए, क्या कांग्रेस में दूसरा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की हैसियत रखा? और अगर रखा तो सीताराम केसरी की तरह आपको सवाल दलित बड़ा नेता है जिसका नाम आप बताना चाहेंगे और आपकी जबान पे सबसे पहले नाम बंगारू लक्ष्मण का आया। एक लाख रुपए इस तरह की छवि पार्टी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, ठीक है। डॉक्टर हिलाल नकवी आपको भी जोड़ना चाहूंगा, आज मायावती के संबोधन में दो पार्टियां प्रमुख तौर पे टारगेट पे थी, एक समाजवादी पार्टी और एक बीजेपी, यानी कांग्रेस इस रेस में ही नहीं है, कांग्रेस फाइट में ही नहीं दिखाई देती कि उस पे आरोप लगाने की भी सहमत नहीं करती बीएसपी और खासकर मायावती, वो मानती है इन पे क्या बोलना है, जाया समय करना है क्या, उनके साथ तो मिलकर चुनाव लड़ना है मायावती, ठीक है। डॉक्टर हिलाल नकवी रिस्पॉन्ड करिए। घनश्याम जी देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि दलितों के लिए जितना काम कांग्रेस ने किया है उसके बाद बहन मायावती जो है वो उनके ऊपर आरोप लगाती तो निश्चित रूप से उनकी खिल्ली उड़ती है। जैसे कि आज की तारीख में बहन मायावती जो है वो पिछले 3 साल से 4 साल से किसी भी दलित इशू के ऊपर ना तो संसद में बोली और ना बाहर बोली, एक दफा भी उन्होंने उनके दलितों के लिए खड़े होकर के कोई धरना किया हो, कोई प्रदर्शन किया हो उनके खिलाफ। जैसा कि मायावती जी कहती हैं कि दलितों का उत्पीड़न हुआ है, तो वो कब सड़क पे निकल करके आए, कब उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही विधानसभा में कुछ बोला हो? बल्कि गांधी जी के जबकि गांधी जी ने इतने मन से किया, एक मिनट बस पूरा कर ले, स्पेशल कंपोनेंट प्लान बजट में पैसा कम कर दिया गया, मायावती जी खामोश रही। स्कॉलरशिप का पैसा कम कर दिया गया, मायावती जी खामोश रही। हैदराबाद के अंदर 5 दलितों को निष्कासित कर दिया गया, मायावती जी खामोश रही। डॉक्टर हिलाल नकवी मैं ये कह रहा था उनके संबोधन में आपका नाम ना होना, उस अटैकिंग मोड में आप ना दिखना, क्या आने वाले समय में किसी तरह की कोई इक्वेशन में समझू, या बीएसपी आपको इस लायक ही नहीं समझती कि यूपी की फाइट में आप एग्जिस्ट भी करते हैं? मैं दोनों चीजों को समझना चाह रहा हूं आपसे। ठीक बात, ठीक जी। ये आपका परसेप्शन है, मेरा परसेप्शन नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं डॉक्टर हिलाल नकवी आप क्या सोच रहे हैं। या तो आप ये तय कर लीजिए हम दोनों साथ दिखाई देंगे आपको कुछ दिनों में, या आप कह दीजिए हम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एक चीज तो होगी ना इसमें। नहीं, इसके अंदर तीसरी बात यह है कि मायावती जी ये बखूबी जानती है कि जो कुछ भी दलितों के लिए किया गया है वो कांग्रेस के ही द्वारा किया गया है।
भीमराव अंबेडकर जी जिनको की संसद नहीं पहुंचने दिए गया का आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि लॉ मिनिस्टर को बढ़ाने का काम भी कांग्रेस ने ही किया। जानकारी की बोली बोली अमित जी का आपको जानकारी की कमी है हिंदू लॉ कोर्ट के ऊपर जिसको कि वो पूरा का पूरा एक साथ कार्यान्वित करना चाहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे 1951 का इलेक्शन हो गया जो डिवाइस आइडियोलॉजी आपको भारत का जितन ये तस्वीरें और ये होड़ ये इस रेस में हर कोई आगे जाना चाहता है लेकिन आगे बढ़ने की समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़े और इस अहम मुद्दे पे इतनी अहम जानकारी इस तरीके से दी। बहुत शुक्रिया आप सभी का।